हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष और आ चुका हूं वापस एक और फैक्ट्स की वीडियो लेके, जिसमें आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ए भैया, आज फिर तूने इस वीडियो में किसी कल्पना को ले लिया, मुझे नहीं लिया फैक्ट वीडियो, इसमें मैं किसी को नहीं लेता। तो हाँ दोस्तों, इस धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें एक अलग ही शक्ति यानी एक अलग ही कैपेबिलिटी होती है। जब आपने उनका दिल बाहर निकाल लिया या फिर उनका सिर काट दिया और उसके बाद भी वो जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके साथ ये हो गया तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 5, टर्टल या टॉर्टाइस एक ऐसा जानवर है जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप टर्टल के हार्ट को निकाल लो और उसे देखो तो वो 5 दिन तक लगातार धड़कता रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि टर्टल के जो दिल होता है उसमें ऐसी ऐसी सेल्स होती हैं जिससे वो उसकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसका हार्ट निकालने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है। तो इसी को रिसर्च करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने उस हार्ट को निकाला टर्टल में से और पानी में रखा, तो वो 3 महीने तक धड़कता रहा और लिविंग रहा। इजंट इट अमेजिंग थिंग। अबे क्यों हंस रहा है? डर लगता है, छोड़ो इसे। फैक्ट नंबर 4, तमीज कुछ लोग हेडफोन लगा के भी देखते हैं। तो दोस्तों, मक्खी एक ऐसा जानवर है या सॉरी इंसेक्ट है जो आपने कभी ना कभी अपने घर में कभी ना कभी क्या रोज़ देखते होगे। तो अगर आपने कभी ऐसी मक्खी देखी जिसका सिर ही नहीं है तो आप क्या करोगे? कीर्तन करूँगा, जो करना है कर पर मेरा सिर मत खा। हाँ तो दोस्तों, मक्खी का जो सिर होता है वो अगर कट भी जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका एक और डुप्लीकेट या फिर क्या कहे सब्स्टिट्यूट वाला सिर उसके लंग्स में प्रेजेंट होता है, पर उस पर आँखें नहीं होती। पर दोस्तों, मक्खी के कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिससे उसे रोशनी का पता चल जाता है, जिससे उसे लाइफ में आसानी होती है और वो आराम से कुछ भी खा पी सकती है जिससे वो जी सकते हैं। और दोस्तों, उसकी लाइफ होती कितने दिनों की है? 14 डे, बस ये तो आराम से कट जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, तो आओ दोस्तों मैं आपको ऐसे चिकन से मिलाता हूँ जिसका आपने नाम एक ना एक बार तो सुना होगा, जिसका नाम है माइक। 1945 में इसके साथ क्या हुआ था कि एक आदमी ने इसे खाने के लिए इसका सिर काटा था और तभी इसके हाथों से फिसल के भाग गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो मुर्गे का दिमाग होता है वो उसके गर्दन के थोड़ा सा नीचे रहा, जिसकी वजह से वो बच गया। ये देख के उस आदमी को इतना बुरा लगा कि वो उसके बाद से उसकी जो नेक होती है उसके पास थोड़ा सा खाना और पानी के थोड़े से ड्रॉप डालने लगा, जिससे वो जिंदा रहा। और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसकी बहुत सी खबरें न्यूज़ में आई और वो फेमस होता चला गया। पर 18 महीनों बाद वो सबको बाय करके चला गया दुनिया से। वाओ, मुर्गा बोल गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। तेरी गले में कौन सा चप्पल फंस गई? नंबर 2, दोस्तों साइंटिस्ट का मानना यह है कि कॉकरोच एक ऐसा जानवर है जो न्यूक्लियर हमले या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर से आराम से बच सकता है। इसी दौरान एक रिसर्च के दौरान कुछ साइंटिस्ट ने कॉकरोचों का सिर काट के उसे एक डिब्बे में बंद करना शुरू कर दिया और ये देखना कि शुरू किया कि क्या ये कॉकरोच बिना सिर के ज़िंदा रह पाएंगे। और यही देखते देखते उन्होंने उसे 7 दिन तक उसके अंदर रहने दिया। 7 दिन बाद जैसे ही अगला दिन 8वां दिन आया, उन्होंने उसे खोला देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने ये देखा कि वो कॉकरोच सारे के सारे जिंदा थे। तो सोचो कि अगर आपके सामने कभी बिना सिर वाला कॉकरोच आ गया तो आप क्या करोगे? मेरा भाई तो सिर वाला कॉकरोच देख के पागल हो जाता है, तो बिना सिर वाला देख के क्या कह देगा? टाई बोल जाऊंगा। तू टाई बोलता रही हो, हट। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉकरोच की ज़्यादातर काम उसके नर्व्स कर देते हैं और उसका जो सांस लेने की जगह होती है वो उसकी स्किन पे होती है, जिससे वो आराम से सांस ले लेता तो ज़्यादा मुँह का काम नहीं होता सिर्फ खाने के लिए, और वो कटे हुए सिर के साथ भी खाना खा सकते हैं। नंबर 1, तो दोस्तों सेलेमेंडर एक ऐसा जानवर है जिसके आप कोई भी नर्व काट लो वो तुरंत ही वापस आ जाता है। तुरंत तो नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लगता है और वो पुराने वाला जितना ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ये ऐसा है कि आपको अपना हाथ पसंद है तो हाथ काट दो, और वाह क्या ज़िंदगी है इनकी, और इनमें कोई कटे हुए या फिर कुछ भी निशान नहीं रहता। ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एम्ब्लॉक्स, जिससे वो उसकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत जल्दी सुधार लाता है और जिनकी सेल्स एकदम से रिजनरेट हो जाती हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा है मेरे बराबर में कोई ज़ॉम्बी बैठा है, चलो छोड़ो। तो देखा दोस्तों आपने इस धरती पे कैसे कैसे जानवर हैं, कॉकरोच, मुर्गा, टर्टल, ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनकी अभी हमें रहस्य पता भी नहीं है। और दोस्तों अब मैं एक बोनस फैक्ट बताता हूँ। बोनस, तो दोस्तों सांप कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका सिर कटने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं, ज़्यादातर वेनमस से, जैसे
रैटल स्नेक, उसका सिर कटने के बाद भी वो 7-8 घंटे तक बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो इसी में आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक फार्मर की कहानी, जो अपने फार्म में खुदाई कर रहा था और उसी टाइम उसे एक सांप उसके बराबर में से निकलता हुआ दिखा। उसने उसी टाइम उसकी एक कुल्हाड़ी से उसके सिर को काट दिया, और जैसे ही वो सांप के सिर को उठाने लगा उसी टाइम उस सांप ने उसे डस लिया, और जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में उसी टाइम एडमिट करना पड़ा, और उसे एंटीवेनम के 26 डोजेज़ लगे। तो सोच सकते हो दोस्तों, जिंदा सांप से सिर्फ 2 डोजेज़ में काम हो जाता है, ठीक है, पर उसे मरे हुए सांप के काटने के बाद 26 डोजेज़ लगाने पड़े। तो सोच सकते हो दोस्तों, मरने के बाद वो सांप कितना खतरनाक हो गया। तो दोस्तों, मेरी सलाह है कि आपको कभी भी ऐसा सिर कटा हुआ सांप दिखे तो उससे कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर ही भाग जाना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। हाँ।